उदाहरण इस प्रकार है हमें ये बताया गया है कि एक विद्युत अवयवों का क्रेता विद्युत अवयवों को खरीदता है दस की खेप में यहाँ पर खेप का मतलब लाट है वो विद्युत अवयवों को कुछ विद्युत से संबंधित सामानों को मंगाता है लेकिन वो मंगाता है सामान वो एक जो है लाट जिसमें खेप जो है वो तो दस दस के खेप में आते हैं और उस क्रेता की यह नीति है कि वह किसी भी खेप में से याचिक रूप से तीन अवयवों की जांच करता है और उन सभी अवयवों के दोषमुक्त होने पर वो खेप को स्वीकार कर लेता है अन्यथा वह खेप को अस्वीकार कर देता है तो अगर यह ज्ञात हो कि यदि 30 प्रतिशत खेपें चार दोषयुक्त अवयवों को रखती है यह बहुत लंबे समय के अनुभव के अनुसार ये हमें पता है कि अगर 30 प्रतिशत खेपें जो ऐसी होती हैं जिसमें कि चार अवयव जो होंगे वो दोषयुक्त होंगे और 70 प्रतिशत खेपें ऐसी होंगी जिसमें एक से ज़्यादा अवयव दोषमुक्त नहीं होंगे यह जो इन विद्युत अवयवों को बनाने वाला जो संस्थान है ये उसके गुणवत्ता के आधार पर यह व्याख्या हमें पहले से स्पष्ट में दी हुई है अगर हम यह इच्छित हों कि यह बात निकालने के लिए कि वह विक्रेता किस अनुपात में खेपों को स्वीकार करेगा तो कोई भी खेप में किस गुणवत्ता होगी यह दो तरह के हो सकती है हमको बताया जो कि एक बड़ा ही सेलरीकृत विवरण है बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन का जो या बहुत ही कि केवल दो ही तरह की गुणवत्ता है जो कि 30 प्रतिशत जिसमें कि चार अवयव दो शुक्र होंगे और 70 प्रतिशत खेपों में केवल एक ही होगा तो अगर इस दिशा में अगर हमें गणना करनी है कि वह किस अनुपात में खेपों को अस्वीकार करेगा तो आइए हम देखते हैं कि इसे कैसे हल कर सकते हैं तो इसके हल के लिए हम जैसा कि इस तरह के प्रश्नों में होता है कि पहले हम उस घटना को माने जो कि हम जिसके माध्यम से हम इच्छित प्रायिकता को निकालें तो वह घटना मानी गई है कि मान लीजिए ये उस घटना को दर्शाता है कि क्रेता ने किसी भी खेप को स्वीकार कर लिया तो आपने देखा प्रश्न के अनुसार वह क्रेता खेप को कब स्वीकार करेगा जब उसने याचिक रूप से तीन अवयव निकाले हों किसी भी एक खेप में जिसमें कि दस अवयव होते हैं वह तीनों के तीनों अवयव उससे उसमें कोई दोष नहीं प्राप्त हुआ होगा तो अगर हमें यह पता है तो प्रश्न के अनुसार घटना ए की प्रायिकता भरित औसत होगी खेपों के में दोषपूर्ण अवयव होने के दो स्तरों के जैसा कि देखा गया है कि जो है खेपों में दोषपूर्ण अवयव होने के दो स्तर दिए हैं उनके दोनों की संभावनाओं के भरित योग के तो यह चूँकि आसानी से हम देख सकते हैं कि यह प्रायिकता होगी दो संबंधित प्रतिसंबंधित सप्रतिबंधित प्रायिकताओं के एक उसके जबकि खेप में चार दोषपूर्ण हैं और दूसरी उसके जब खेप में एक दोषपूर्ण है तो ये दोनों के भरित औसत के बराबर होगी ये भरित औसत आप देख सकते हैं कि उनकी प्रायिकता चूंकि दी हुई है कि तीस प्रतिशत और सत्तर प्रतिशत तो वह प्रायिकता का मान हमने तीन बटा दस और सात बटा दस लिख रखा है और यह है इनकी सप्रतिबंध प्रायिकता उस घटना की होने की तो आइए इस सप्रतिबंध प्रायिकता की गणना कैसे हम करेंगे तो इसकी गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं कि प्रत्येक सप्रतिबंध प्रायिकता का मान संगत जामिति या छिकर की प्रायिकता के रूप में दिया जा सकता है अति जामिति या छिक्चर की कब इस्तेमाल होता है जैसा कि आप याद करें पुनरावलोकन तो ने हमने ये बताया था कि जब हमें यह दिया हो कि दो तरह के कुल इन अवयवों में एम तरह के अवय एक तरह के अवयव हैं बाकी दूसरे तरह के हैं और उनमें से अगर हमने कुछ चुने उन चुने उसमें होने में वह एक विशेष प्रकार का की संख्या क्या होगी तो ये उसी प्रकार की घटना है इसलिए हम इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अति जामिति या चिकचर संगत होगा इस प्रश्न में प्रायिकता का गणना करने के लिए तो अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक जो प्रतिसंबंध प्रायिकता को हमने लिखा है एक अतिजामती या चिकचर के द्रव्यमान फलन के से आप देख सकते हैं कि हर दशा में वो दस चूँकि खेप में दस अवयव हैं तीन निकालने की कुल विन्यास जो हैं वो दस सी थ्री होते हैं उनमें से कितने अवयव दोषपूर्ण होंगे तो पहले में उसको जो चूँकि सारे के सारे द, वो दशाएं हैं जिसमें कि हम घटना एक उनको इंगित करती है जिसकी क्रेता ने खेप को स्वीकार कर लिया हो इसका मतलब तीन के तीनों अवयव उसे जो है उ, 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 उसमें जितने भी दोषपूर्ण अवयव हो उनमें से कोई भी दोषपूर्ण अवयव उसने नहीं चुना होगा उन याचिक चुनाव में तो आप जान सकते हैं कि जब चार दोषपूर्ण अवयव हों तो उसमें से कुछ भी न चुना जाए तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी चार सी शून्य और वह होगी बाकी बचे हुए जो अवयव होंगे वो उसी में से चुनाव उनका हुआ होगा तो वो हमने लिख दिया छः सी थ्री और इसी प्रकार जब दोषपूर्ण अवयव की संख्या इकाई हो तो वो उस दिशा में हमने उसको तरह लिख दिया और उसको भाग कर दिया कुल कितने प्रकार से दस चीज़ों में से तीन चीज़ें कैसे चुनाव हो सकता है तो यह प्रायिकता का गणन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं तो वह मैं इस पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ वो आप गुणन करके देख सकते हैं कि इसका महान आएगा चौवन भागा सौ जो कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी इच्छित प्रायिकता क्या है ये तो हमने निकाला क्रेता जो है खेप को स्वीकार कर लेता है स्वीकार करने की प्रायिकता हमने क्यों मानी क्यों नहीं अस्वीकार करने की मानी चूँकि यह हमें संगत हमें मिला अतिजामिती या चिक्चर की प्रायिकता तो इसलिए हमें इसको इस घटना को ही माना परंतु इच्छित प्रायिकता हमें यह है कि वह क्रेता कितने किस अनुपात में अस्वीकार करता है तो हम जानते हैं कि वह अगर क्रेता अगर इतना स्वीकार करेगा तो अस्वीकार करने की उसकी जो प्रतिशत होगा वो होगा सौ में से मायने घटाने पर वह आएगा छियालीस प्रतिशत खेपों को अस्वीकार करेगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ प्रश्नों में जो इच्छित प्रायिकता की गणना करने के लिए हम वही प्रायिकता सीधे सीधे न मानकर कभी उन घटनाओं को मानते हैं जिनकी की प्रायिकता निकालने में हमें आसानी हो जो भी हमें उसके बारे में विभिन्न प्रकार के याचिक्चर के बारे में जो ज्ञान प्राप्त है तो यह इस प्रश्न का जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि पहले हमें वह देखना पड़ेगा कि हमारे विभिन्न प्रकार के जो याचिक्चर हैं उनमें से कौन ज़्यादा उपयुक्त होंगे और उसके हिसाब से हम प्रश्न में दिए हुए घटनाक्रम के घटनाओं को पहले मानेंगे और प्रायिकता निकाल के हम इच्छित प्रायिकता गणित कर सकते हैं